हेलो फ्रेंड्स, मात्र 99 में इंग्लिश सीखे, 30 दिन में इंग्लिश सीखे, 90 दिनों में इंग्लिश सीखे, तो सोलह सोलह लग रहा है ना। रास्ते पे जब चलते हैं, लिफलेट लगा होता है, आजकल फेसबुक में स्क्रॉल डाउन करते हैं तो एडवर्टीजमेंट दिखता है, लेकिन आखिर इसके पीछे का सच क्या है? मार्केट में कम से कम 100 से भी ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन कितने कोर्सेज का सक्सेस रेट 100 out of 100 है? सिर्फ 3-4। क्यों ऐसा क्यों है, हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखें समझने के लिए कि आखिर ये सारा लर्निंग इंग्लिश ऑनलाइन स्कैम है क्या और कैसे काम करता है। तो दोस्तों, आखिर क्या है ये? पहले आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, इससे पहले कि कोई भी ऑफेंडेड हो, कि स्कैम का मतलब क्या होता है। स्कैम का मतलब होता है जब आपको कोई एक चीज प्रॉमिस की जाती है, मतलब वादा किया जाता है आपसे और वो प्रॉमिस कंप्लीट नहीं होता, उसे हम स्कैम कहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि मैंने आपको बोला कि आप मुझे 10 रुपए दीजिए, मैं आपको एक चाय का कप दूंगा। आपने मुझे 10 रुपए दिए और मैंने बदले में आपको चाय का कप नहीं, चाय की चम्मच भेज दी, तो स्कैम हुआ ना। तो वैसे ही कुछ अभी ऑनलाइन हो रहा है दोस्तों। बड़े बड़े कोर्सेस कंपनीज और बड़े बड़े ऐसे लोग जो कोर्सेस को चला रहे हैं, वो वादा करते हैं कि आप 90 दिनों में या फिर 30 दिनों में या कुछ महीनों में इंग्लिश सीख सकते हैं। ये गलत है। इंग्लिश एक भाषा है दोस्तों, और कोई भी भाषा इंसान तब तक नहीं सीखता है जब तक वो भाषा को वो जी नहीं लेता। ये जितनी भी कोर्सेज है जो भी प्रोमिसेस कर रही है, ये प्रोमिसेस ज्यादा कर रही है और डिलीवरी कम कर रही है, इसीलिए मैं इन्हें स्कैम कह रहा हूं। दरअसल दोस्तों, आपके दिमाग में भी एक गलत छवि बनाई है कि लर्निंग इंग्लिश कोर्स का मतलब है कि आप फर्राटेदार इंग्लिश एकदम बोलना चालू कर देंगे 90 दिनों में, 100 दिनों में, 100 दिनों 200 दिनों में, जो कि ये गलत है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए या किसी भी चीज को सीखने के लिए उसका बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है। एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। आप बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, बहुत ही अच्छी, लेकिन वो बहुत अच्छी चाय बनाने के लिए पहले आपको उसका बेसिक तो सीखना पड़ेगा कि पानी, दूध, चायपत्ती, चीनी से चाय बनती है। अब आप इसमें क्या अलग करते हैं, आप इसमें कितना ज्यादा सक्सेस पाते हैं, कितना इस चीज को सीखते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक वैसे ही ये जो इंग्लिश लर्निंग है या फिर कोई भी लैंग्वेज की लर्निंग है, जो ये कोर्सेज होती है, ये सिर्फ आपको इसकी बेसिक ही सिखा सकती है, बेसिक लाइन सिखा सकती है, आइडिया दे सकती है, आपको ये बता सकती है कि कैसे किसी भी वर्ड को, शब्द को स्ट्रक्चर करना है, सेंटेंस बनाना है और क्या करना है। लेकिन क्योंकि मार्केट में कंपटीशन इतना है, हर कोई सिर्फ इसी दौड़ पे लगा हुआ है कि इंग्लिश सिखा देंगे, ये सिर्फ एक जुमला है, ये सिर्फ एक झूठ है और ये सिर्फ एक कॉपी पेस्ट है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ठीक है, चलिए इंग्लिश नहीं सिखाएंगे, इंग्लिश को आपकी जिंदगी में शामिल तो कर देंगे या फिर इंग्लिश आपको इंट्रोड्यूस कर देंगे, आपको खुद से सीखना है, लेकिन फिर भी ये कोर्सेस फेल क्यों है? ये इसलिए दोस्तों क्योंकि इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिर्फ कॉपी पेस्ट करना जानते हैं। YouTube में अगर आप लर्निंग इंग्लिश सर्च करेंगे, आपको ढेर सारी आपने सर्च की भी होगी, आपको वीडियोज मिले भी होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप क्यों कंटिन्यू नहीं कर पाते? क्योंकि वो वीडियोज कहीं से भी चालू हो जाते हैं, कोई भी कंटेंट से स्टार्ट हो जाता है, कहीं से भी वो वीडियो चालू हो जाता है, कहीं से भी वो सिखाने लगता है, और वो एक दिन ना एक दिन आपको लगता है कि इसमें कोई मजा नहीं है, इसमें कोई बात नहीं है, ये तो 1 2 3 नहीं है, ये है 3 4 1 1 2। तो क्या होता है, जब जंबल होने लगती है, चीजें दिखाई नहीं देती साफ, अलग 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 होती है, तो इंसान सीख नहीं पाता, और यही इन सब कोर्सेज की भी प्रॉब्लम है। कोर्सेज में कोई स्ट्रक्चर ना होने की वजह से ज्यादातर कोर्सेज फेल हो जाते हैं। ऐसे लाखों क्वेरीज है हमारे पास स्टूडेंट्स की, जिन्होंने लाखों ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में शिकायत की है कि हमने वो कोर्स दिया था, हमने कोर्सेज कंप्लीट किए, लेकिन हमें इंग्लिश नहीं आ रही। इसका सबसे बड़ा रीजन, इसका सबसे बड़ा जो वजह है, वो ये है कि ये कोर्सेज स्ट्रक्चराइज नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है इन कोर्सेज का, ये सिर्फ कॉपी पेस्ट स्ट्रक्चर पे चलती है। एक ने कोर्स निकाला, वो कोर्स अच्छा है, लाखों लोग जुड़े, उसी कोर्स को कॉपी कर लिया, फिर उसी कोर्स को कॉपी कर लिया। हर दिन हमारे पास ऐसे सैकड़ों कॉल आते हैं जो प्रोफेसर्स के कॉल है,
जो हमसे पूछते हैं कि आपका कोर्स क्यों इतना अच्छा है, आप ये कोर्स को कैसे करा रहे हो, हम उस चीज को नहीं बताते। यहाँ तक कि हमारे प्रो कोर्स की एडमिशन भी बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से होती है। अगर हमें जरा भी डाउट होता है कि कोई और कंपटीशन हमारे कोर्सेज को कॉपी करना चाह रहा है तो हम उस पर बैन लगाते हैं, क्योंकि प्रो कोर्स मार्केट में एकमात्र तो नहीं लेकिन हाँ उन कुछ बड़े कोर्सेज में से एक है जो स्ट्रक्चर एजुकेशन बेसिस पे काम करता है। हम बस किसी भी दिन कोई भी वीडियो आप तक नहीं पहुंचा देते या कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं पहुंचा देते जिसको बस आपको देखना और सीखना है। हम एक स्ट्रक्चर और सिस्टमैटिक इंग्लिश स्टडिंग में काम करते हैं, जहां पर स्टेप बाय स्टेप हर वीक आपको एक लैंग्वेज की क्लास से इंट्रोड्यूस कराया जाता है और आपको सीखने में मदद मिलती है। मतलब सिंपल और आसान भाषा में समझाएं तो दूसरे कोर्सेज आपको ए सी डी बी ऐसे करके कोर्स दिखाते हैं और प्रो कोर्स आपको ए बी सी डी इस तरह से कोर्स दिखाते हैं। एक सीढ़ी बनाता है जिसपे आप वन बाय वन चढ़कर अपने सक्सेस तक पहुंचेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रो कोर्स भी आपको बेसिकली आपकी मजबूत नींव को मजबूत करता है कि आप इंग्लिश को समझे। जब तक आप किसी चीज को समझेंगे नहीं, आप उस चीज को सीखेंगे नहीं। प्रो कोर्स भी यही काम करता है, आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी इंग्लिश की समझ को स्ट्रॉन्ग करता है, समझने में हेल्प करता है कि इंग्लिश है क्या, वर्ड्स क्या है, उसको कैसे बोलना है, कैसे प्रोनाउंस करना है, ताकि आप इसे अच्छे तरीके से समझे और अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी में उतार पाए। फिर आप जब सीख गए, ये आपके कैपेबिलिटी के ऊपर है कि आप इसको कितनी। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आदि जुड़े प्रो कोर्स से और हमारे सिस्टमैटिक लर्निंग एक्सपीरियंस से सीखे ज्यादा से ज्यादा। बाकी सारे कोर्सेज के बारे में आपको पता ही है, बाकी सारे कोर्सेज को आप ट्राई कर सकते हैं, आपके ऊपर है कंप्लीटली। और प्रो कोर्स चाहता है हमेशा कि आप रहे। थैंक यू दोस्तों।